एवरीवन वेलकम टू एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं अस्त, अस्थ या अष्ट का चाप। ठीक, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आपका चल रहा है और परमानेंट आपकी क्लासें भी चल रही हैं। ठीक, उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। इसके पिछला कंसेप्ट था आपका ला आंकड़े का प्रयोग। ठीक, सॉरी, ला आंकड़े का प्रयोग नहीं, स्वा के वृत्त आपको मैंने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर किया था। और उसी के बाद देखिए पेज नंबर 105 पर दिया हुआ है अस्त, अस्थ या अष्ट का चाप। देखिए, हो सकता है कि पेज नंबर में आपका फर्क हो। ठीक, ये भी हो सकता है, लेकिन तो आप देखिएगा कि आपका अस्त, अस्थ या अष्ट का चाप कौन से पेज नंबर पर है। वैसे तो हमारी बुक जो है इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 105 पर। ठीक, तो क्या आप सब तैयार हैं? देखिए, सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा प्रेस, ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसके अतिरिक्त अपने चैनल पर एजुकेशनल क्रीड़ा पर शॉर्ट हैंड डिक्टेशन चाहे वो 80 WPM हो, चाहे 90 WPM हो, चाहे 85 WPM हो, चाहे वो 95 WPM हो, चाहे 100 WPM हो, और भी अतिरिक्त सब प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन भी उपलब्ध हैं। अगर मान लीजिए, जैसे कि अगर आपके छोटे भाई हो या आपके फ्रेंड्स हो, शॉर्ट हैंड लर्निंग सीख रहे हैं, तो आप उन सभी के पास इस लर्निंग जो अभ्यास है इसकी वीडियो सेंड कीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके बड़े भाई हो या वो शॉर्ट हैंड सीख चुके हों और डिक्टेशन की प्रैक्टिस भी कर रहे हों, तो उनके पास भी अपने चैनल का लिंक पहुँचाइए, क्योंकि अपने चैनल पर परमानेंट डेली आपको एक डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाता है। वो डिक्टेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के सेक्शन को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक, और पहुंच जाइए अस्त, अस्त या अष्ट का चाप। इसी के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। देखिए अस्त, अस्त या अष्ट का चाप ये मिलेगा, हमारे बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 105 पर। ठीक, और देखिए ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि। ठीक, तो देखिए पहले समझिए पॉइंट को। देखिए इसमें बहरहाल कुछ है नहीं, लेकिन बस समझना है आपको कि अस्त, अस्त या अष्ट का चाप किस तरीके से लगाया जाता है। मेन कंसेप्ट हमारा यही है। देखिए, समझिए पहले पॉइंट को। देखिए इसमें दिया है इसी तरह एक छोटा सा, देखिए कोई हलबुली नहीं है, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। ठीक, कोई हलबुली नहीं है। ठीक, देखिए इसी तरह एक, यानी इसी तरह एक छोटा सा चाप। ठीक, जब किसी सरल से मतलब जैसे सीधी रेखा या वक्र यानी टेढ़ी रेखा व्यंजन के आरंभ में यानी पहले या अंत में लगाया जाता है, तो वह अस्त, अस्थ या अष्ट का चाप को सूचित करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखिए इसके बाद चाप वृत्त की रेखा के एक छोटे हिस्से को कहते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि चाप वृत्त की, यानी वृत्त मतलब छोटा सा वृत्त, चाप वृत्त की रेखा के एक छोटे से हिस्से को कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए इस चाप को व्यंजन में लगाते समय, किस चाप को, अस्त या अष्ट का चाप की बात हो रही है। ठीक, इस चाप को व्यंजन यानी कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन में लगाते समय इस बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि यह चाप का आंकड़ा बढ़कर किसी दशा में भी व्यंजन के आधे के ऊपर न जाने पाए। ये कह रहा है कि मान लीजिए ये व्यंजन है। ठीक, ये यही कह रहा है, मान लीजिए इसका आधा इतना हुआ। ठीक, तो यानी ये यहीं तक रहे, आधे से कम रहे, बल्कि देखिए ये आधे से ज़्यादा न जाने पाए। ठीक, वही कह रहा है, देखिए आधे के ऊपर न जाने पावे जहाँ तक हो या आंकड़ा व्यंजन के आधे से कम ही लगाया जाए। इतनी बात क्लियर। जैसे देखिए पहले मैं आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए हमको लिखना हुआ है, मान लीजिए हमको लिखना है पस्थ, यानी पस्थ, देखिए प हुआ व्यंजन और ये अस्त, अस्त का चाप। तो पहले देखिए हम आपको प्लस करके दिखाएंगे। देखिए प हुआ, उसी में अस्त का हमको चाप लगाना है। देखिए
चाप ऐसे ही होता है, देखिए ये चाप, ठीक, तिरछा मान लो, देखिए बिल्कुल ये तिरछा, यही चाप होता है, तो इसको हमको बराबर करना है। अब ये मिलकर क्या होगा, पस्त। तो जोड़े कैसे, देखिए इसके आधा जाना है हमको, आधे ज़्यादा नहीं, आधे से कम रह हो जाए लेकिन आधे से ज़्यादा ना हो पाए। देखिए पा जोड़ेंगे इसी में हम, और इसी में अस्त। अब देखिए इसका आधा यहाँ तक होगा, ठीक, काटा नहीं है, काटा मत समझिएगा, ये आधा मैं बता रहा हूँ, पा इतना है, इसका आधा इतना हो गया, ठीक। तो वही मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट यही कह रहा है कि जब अस्त अस्त, देखिए अस्त या अष्ट का चाप लगाएंगे तो कोई भी व्यंजन हो, समझिएगा, कोई भी व्यंजन हो, उस व्यंजन के आधे से ज़्यादा न जाने पाए, बल्कि आधे से कम रहेगा, तभी इसको हम पढ़ेंगे अस्त अस्त या अष्ट का चाप, ठीक, क्लियर। तो ये पॉइंट होगा आपका क्लियर, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखिए फिर समझिए इसी पॉइंट को, देखिए इसी तरह एक छोटा सा चाप जब किसी सरल व्यंजन या वक्र व्यंजन के आरंभ में यानी पहले या अंत में लगाया जाता है तो वह अस्त या अष्ट या अस्त का चाप सूचित करता है, ठीक। उसके बाद देखिए चाप वृत्त की रेखा के, ठीक समझिएगा, चाप वृत्त की रेखा के एक छोटे से हिस्से को कहते हैं। ऐसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, इसी देखिए मान लीजिए इतना वृत्त, और इसी के छोटे से एक हिस्से को हम कहते हैं अष्ट 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 का चाप, ठीक। इस चाप को व्यंजन में लगाते समय इस बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि यह चाप का आंकड़ा बढ़कर किसी दशा में भी व्यंजन के आधे से ज्यादा न जाने पाए पावे, जहां तक हो यह आंकड़ा व्यंजन के आधे से कम ही रहना चाहिए। इतनी बात क्लियर, ठीक। देखिए ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक, देखिए पेज नंबर 105, सॉरी पेज नंबर 106 पर देखिए सबसे ऊपर दिया हुआ है, लिखा हुआ है अस्पिल, बहुत सारे लिखे हुए चीज। अब देखिए ये हुआ हो क्लियर, पहले समझिएगा, जब ये हुआ हो क्लियर तो ये भी हो गया आपका क्लियर। तो ये देखिए इतना बात क्लियर है, तो देखिए इतने जो पॉइंट नंबर वन है, पॉइंट नंबर में आप वन में क्या सीखा आपने, पहले इस पर सोचिए। हम पॉइंट नंबर वन में आप ये सीखे कि अस्त अस्त अष्ट का चाप किससे कितना ज़्यादा कितना कम लगाया जाता है, तो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए बात करेंगे पॉइंट नंबर टू की, तो समझिए पॉइंट नंबर टू, देखिए पॉइंट नंबर टू समझिएगा क्लियर एकदम, ठीक। देखिए यह चाप सावृत्त के नियमों के अनुसार लिखा और पढ़ा जाता है, ठीक। उसके बाद और स्वर आदि के भी लिखने के वही नियम है, अंतर केवल यह होता है कि आरंभ में छोटा या आ या बड़ा आ आने पर भी पूरा संकेत लिखा जाता है, पर अंत में बड़ी ई आने पर पूरा संकेत ना लिखकर सा के नियमानुसार यह चाप जरा डैश के रूप में बढ़ा दिया जाता है, यदि या अंत में, मान लीजिए यदि या अंत में कोई दूसरी मात्राएं आने पर सावृत्त के समान या आंकड़ा ना लिखा जाकर पूरा संकेत के रूप में लिखा जाएगा, यह चाप बीच में नहीं लगाया जाता। पॉइंट क्लियर हुआ हो, ठीक। देखिए फिर से एक बार समझिए, अब देखिए यही आपको समझाएगा जो मैंने लिया है, ठीक, मान लीजिए इसको वन इसको टू, देखिए ये क्या लिखा हुआ अस्त, देखिए समझिएगा इसको, ये लिखा हुआ है अस्त, उसके बाद लिखा हुआ, सॉरी अस्त अस्त, उसके बाद लिखा हुआ है ना। अब ये मिलकर देखिए ये मिलकर क्या बनेगा, देखिए अस्त प्लस ना मिलकर हो जाएगा अस्तन। तो देखिए पहले इसको हमको बनाना है अस्त का चाप, देखिए पहले मान लीजिए हम बना ले, देखिए मान लीजिए ये अस्त का चाप हुआ इतना, ठीक, और फिर ये ना हुआ, इसको हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे देखिए समझिएगा, दिख रहा है ना, देखिए देखिए अस और ना, ठीक, देखिए आधे से कम, देखिए ना इतना बड़ा है और इसका आधा मान लीजिए इतना हुआ, तो देखिए हमने आधे से कम लगाना है आपको, आधे से ज़्यादा नहीं लगाना। मान लीजिए ये ना है, फिर से देखिए इसको, मान लीजिए ये ना है, देखिए मान लीजिए ये ना है, ना का आधा इतना हुआ, तो हमको चाप लगाना रहेगा आधे से कम, ठीक, क्लियर बात, ठीक। देखिए तो ये मान लीजिए हुआ आपका अस्तन, ठीक, फिर से देखिए, देखिए अस्त का चाप और ना मिलकर अस्तन, इतनी बात क्लियर। अब देखिए
उसके बाद देखिए दूसरा देखिए, माँ लिखा हुआ है उसके बाद सा, तो पहले माँ बनाएंगे फिर प्लस फिर उसी में अस्त का चाप, ठीक। देखिए माँ प्लस अस्त का चाप लगाना है हमको, ठीक। देखिए ये माँ हुआ प्लस अस्त का चाप, देखिए इसमें भी माँ प्लस साता मिलकर अस्त, मस्त। देखिए तो अब पहले कौन सा आ रहा है व्यंजन, माँ आ रहा है। देखिए माँ और इसी में छोटा सा, देखिए ये सा की भांति नहीं बनाना है, देखिए सा बिल्कुल होता है देखिए गोला, यानी बिल्कुल राउंड होता है बिल्कुल, ठीक। तो देखिए इसमें क्या सिस्टम लग रहा है, देखिए इतना, देखिए अगर मान लीजिए इसको लिखेंगे ऐसे राउंड तो ये हो गया मस, ठीक। तो आपको क्या करना है, सा के भांति भी अस्त अस्त चाप का बनता है, ठीक। देखिए पहले बनाएंगे माँ फिर देखिए ऐसा, ठीक, ये हुआ आपका मस्त। उसके बाद देखिए ये वाला अस्था, देखिए पहले हमको लिखना हुआ अस्था, मान लीजिए ये बड़क मात्रा अस्था प्लस ना मिलकर क्या होगा अस्थान। देखिए पहले अस्था और देखिए पहले पश्चिम मात्रा चली जाएगी सा की, अस्थान, क्लियर इतनी बात। उसके बाद देखिए अस्थल, देखिए पहले आसा अस्थल और फिर ला मिलकर अस्थल, देखिए पहले हम बनाएंगे अस्त का चाप, देखिए अस्त का चाप प्लस ला मिलकर क्या हो गया अस्थल, देखिए अस्थल कैसे होगा ये देखिए अस्थल। आई होप इट इज क्लियर, इतनी बात क्लियर। इसके अतिरिक्त देखिए और एग्जांपल हमने लिया है आपके सामने, देखिए इसके अतिरिक्त आप देखते रहिए, देखिए लिखा हुआ है, देखिए मान लीजिए वन क्लियर और टू की बात करें हम, टू है, टू देखिए है इसमें बस्ती, ठीक। देखिए इसमें बस्ती लिखा हुआ है बा, देखिए पहले इसको कहेंगे हम बा, ठीक। फिर देखिए इसमें पहले बा व्यंजन आ रहा है प्लस अस्ति, देखिए ये इसमें मात्रा लगी बस्ती, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, बस्ती देखिए पहले बनाना है आपको बा व्यंजन, ठीक। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आपके बुक में दिया होगा, ठीक। बस्ती देखिए अस्ति लिखा हुआ है, देखिए अस्त का अस्त का वो सा के भांति बनता है अस्त अस्त का चाप अस्थि, ठीक। देखिए पहले क्या करना है हमको, बस्ती देखिए इसमें सिस्टम क्या लग रहा है, देखिए बा आ रहा है मान लीजिए एक प्लस अस्त अस्त का चाप आ रहा है मान लीजिए, देखिए अस्त का चाप बस और इसमें प्लस बड़ी की मात्रा भी आ रही है, ठीक। तो क्या करना है हमको, देखिए पहले बनाएंगे बा व्यंजन फिर प्लस अस्त अस्त का चाप प्लस ई की मात्रा, ठीक। तो ई की मात्रा के लिए हम देखिए हमने क्या बताया है देखिए हमने बताया, देखिए आपको देखिए यहाँ पे यहाँ से देखिए, देखिए पर अंत में बड़ी ई की मात्रा आने पर पूरा संकेत न लिखकर सा के नियमानुसार यह चाप जरा डैश के रूप में बढ़ा दिया जाता है, यानी जो देखिए अस्त का चाप है इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल देंगे तो इसमें लग जाएगी बड़ी ई की मात्रा, अगर इतना हटा देंगे तो ये लिखा हुआ है अस्त अस्त अष्ट को अपने हिसाब से नियमानुसार पढ़ेंगे, देखिए ये हुआ बस्ती। देखिए अब लिखना है हमको बस्ती, देखिए बा लिखेंगे बा व्यंजन फिर देखिए अस्त अस्त का चाप, देखिए इतना अस्त का चाप हो चुका है हाँ, उसी में छोटा सा थोड़ा डैश बढ़ा देंगे तो ये लग गया बड़ी ई की मात्रा, जो कि पॉइंट आपका खुद ही बता रहा है कि बड़ी ई की मात्रा लग गई, ठीक, बात क्लियर। अब देखिए उसके बाद जस्ता, देखिए जा अस्ता, ठीक। तो देखिए ता में बड़ा आ की मात्रा आ रहा है इसमें, तो क्या करेंगे, देखिए बड़ा आ की लास्ट में जब बड़ा आ की मात्रा आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, पूरा व्यंजन बनाएंगे, ठीक। देखिए इसमें लिखा हुआ है यह चाप सावृत्त के नियमों के अनुसार लिखा और पढ़ा जाता है और स्वर आदि में भी लिखने का वही नियम है, अंतर केवल यह है कि आरंभ में आ या आ आने पर भी पूरा संकेत लिखा जाता है, पर देखिए आरंभ में भी हमको लिखना है पूरा सा और अंत में भी, ठीक। तो देखिए लिखना है हमको जस्ता, देखिए जा रहा अब बना देंगे सा का व्यंजन और ता में बड़ा आ मिलता जस्ता, ठीक, इतनी बात क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ है सस्ती, ठीक, तो उसके बाद देखिए सस्ती हम कैसे बनाएंगे, देखिए फिर बड़ी की मात्रा आ रही, देखिए सा प्लस देखिए अस्त प्लस बड़ी की मात्रा, ठीक। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, सा व्यंजन बनाएंगे प्लस अस्त अस्त का चाप बनाएंगे प्लस इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी की मात्रा लगाने के लिए अस्त को थोड़ा सा डैश निकाल देंगे, ये हो गया अस्ति, ठीक, क्लियर। तो देखिए समझिएगा, देखते रहिएगा, देखिए सा व्यंजन और इसी में अस्त अस्त का चाप, देखिए इतना हो चुका है अस्त का चाप, ठीक,
तो इसमें छोटा डैश बढ़ा देंगे आगे तो हो गया सस्ती। ठीक, अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ बस्ता। ठीक, फिर से बढ़ा की मात्रा आ रहा था में, तो इसको हम पूरा व्यंजन बना देंगे। देखिए बा सा और ता में बढ़ा की मात्रा बस्ता। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, तो देखिए इतने थे आपके अस्त अस्त या अष्ट का चाप, इतना ही था आपका। अब देखिए अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं रह चुका है, जो भी कंसेप्ट था इतना ही है। ठीक, देखिए जो भी कंसेप्ट था इतना ही कंसेप्ट सिर्फ आपका है। तो देखिए अब आज के सेक्शन को फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे। ठीक, अब कल आपको मिलेंगे, आपको कल का सेक्शन में रहेगा दार धार या त्र का चाप। ठीक, आज था अस्त अस्त या अष्ट का चाप, कल का सेक्शन में आप बात करेंगे हम दार धार या त्र का चाप। थोड़ा से आप पढ़ कर आइएगा। ठीक, दार धार या त्र का चाप थोड़ा से पढ़े रहिएगा। ठीक, जिससे आपको कोई भी डाउट्स ना हो। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स आज के सेक्शन में हमने बात किया अस्त अस्त या अष्ट का चाप। इसमें अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी डाउट्स हो तभी भी कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने आपको शुरू में एक निवेदन किया था कि चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे तक चैनल के लिंक को पहुँचाने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो उम्मीद है कि आप ये सब काम कर रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के सेक्शन को फिलहाल यही रखते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।